पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में सलाखों के पीछे पहुंचे आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को लेकर महिला पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सोमवार को बबीता ने कहा है कि सुशील कुमार बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और अनुशासन में रहकर खेलते हुए देश के लिए उन्होंने मेडल जीता है। उन्होंने कहा कि सागर हत्याकांड में सुशील कुमार के खिलाफ जो कोर्ट फैसला करेगी वो मंजूर होगा। नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर बबीता फोगाट सोमवार को चरखी दादरी पहुंचे थे। उन्होंने यहां पार्टी की ओर से लोगों में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया और कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक करने का आह्वान किया। इस दौरान बबीता ने ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को एक अच्छा खिलाड़ी कहा। उन्होंने कहा कि मैंने सुशील को एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में देखा है। उन्होंने कहा कि सागर हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो मंजूर होगा। वैसे आपको बता दें, बबीता फोगाट ने ये नहीं बताया कि उनको चरखी दादरी में किसानों ने काले झंडे क्यों दिखाए। सुशील कुमार पहलवान जिन्होंने पुलिस को 18 दिनों तक घुमाया, जिन्होंने सागर धनखड़ की हत्या की, जिनका उनके ऊपर आरोप लगा है, जिन्होंने कई सारे लोगों के साथ, कई बदमाशों के साथ मिलकर सागर धनखड़ को इतना मारा कि वो अस्पताल में दम तोड़ दिया, बबीता फोगाट उस सुशील कुमार पहलवान को अच्छा बता रही हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते 4 और 5 मई की दरमियानी रात को 23 वर्षीय सागर धनखड़ की दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, तो आपको पता है। लेकिन यहां बताना, उस चीज का जिक्र करना जरूरी होता है। और सुशील कुमार पहलवान पर आरोप है कि उन्होंने सागर को पहले मॉडल टाउन के उसके फ्लैट से, जहां वो किराए पर रहता था, वहां से अगवा किया, उसके बाद स्टेडियम लाया जहां पर लाठी डंडे हॉकी स्टिक से पीट कर उसकी जान ले ली। सुशील कुमार पहलवान को लेकर कई सारे पहलवान अपने अपने विचार दे रहे हैं। जैसा हमने आपको पहले कहा कि योगेश्वर दत्त ने कहा कि किसी तरह की गुटबाजी सुशील कुमार पहलवान वाली एकेडमी में नहीं होती थी, मतलब छत्रसाल में किसी तरह की गुटबाजी नहीं होती थी। उसके बाद बजरंग पुनिया का बयान आया। बजरंग पुनिया भी सुशील कुमार पहलवान के मामले में कुछ भी कहने से बचते दिखाई दिए। मतलब उन्होंने इतना जरूर कहा कि कुश्ती का खेल हिंसा वाला खेल नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने खेल को आदमी ईमानदारी से खेले तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। लेकिन बबीता फोगाट जी ने कहा है कि सुशील कुमार एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूं। अब बताइए, आप बबीता फोगाट जी कह रही हैं सुशील कुमार एक अच्छे इंसान है और सुशील कुमार जी पर हत्या का आरोप लगा है, कई सारे बदमाशों से उनका संपर्क था, कल एक किराना की दुकान वाला जो मिला था उसको भी उन्होंने पीटा था, उसको जान से मारने की धमकी दी थी। बबीता फोगाट के इस बयान को लेकर आप क्या राय रखते हैं? साथ ही बबीता फोगाट के उस घटना का भी जिक्र यहां पर करना जरूरी है, जब वो चरखी दादरी, जहां उन्होंने ये बयान दिया है, जब वो चरखी दादरी पहुंची तो उनको किसानों ने काले झंडे दिखाए। किसान बिल का देश भर में हर जगह किसान विरोध कर रहे हैं, ऐसे में बबीता फोगाट किसान बिल को अच्छा बता रही थी। मतलब कि अपनी टीआरपी सरकार के नजरों में, ऊपर बैठे सत्ता में लोगों के नजरों में अच्छा करने के लिए वो उसका समर्थन कर रही थी। वो बात किसानों को अच्छा नहीं लगा और किसानों ने आज जबरन उनको वहां से वापस लौटा दिया। मतलब हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि पुलिस वालों और किसानों के बीच में हमें ऐसा मंजर देखने को मिला जब बबीता फोगाट मुर्दाबाद के नारे भी लगे। वो बबीता फोगाट एक हत्या के आरोपी को अच्छा इंसान बता रही हैं, लेकिन साथ में डैमेज कंट्रोल कर रही हैं कि कोर्ट जो फैसला करेगा वो सबको मंजूर रहेगा। तो भाई, कोर्ट जो फैसला करता हो तो सबको मंजूर करना ही पड़ता है, उसमें आपको कहने की जरूरत थोड़ी है। इसे डैमेज कंट्रोल करना ही कहा जाता है। वैसे बबीता फोगाट जी के इस बयान को लेकर आप क्या राय रखते हैं, जरूर साझा कीजिएगा वीडियो न्यूज के साथ। और आप देखते रहिए वीडियो न्यूज, साथ ही सुशील कुमार पहलवान से जुड़ी हर अपडेट आपको यहाँ पे हम देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।